डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी इज नॉट सिंपली द लेजिस्लेशन पास बाय द नेशनल गवर्नमेंट जिस तरह से एक कंसेप्ट है एक पर्सन जब बीमार होता है तो ऑब्वियसली वो सर्टन uh, ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि कंट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जब कोई पर्सन बीमार होता है तो यू कॉन्ट एक्सपेक्ट है वो किसी के पास सोशलॉजिस्ट के पास जाएगा और जाके कहेगा जी आप मेरी बायोलॉजी और जो सोशल प्रॉब्लम है उनका इंटरेक्शन देखें और मुझे हील करें Obviously, वो जाएगा किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास और तो जाके अपने आप को ट्रीट करेगा और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ट्रीटमेंट है डिपेंड्स अपॉन द जो कंट्री की हेल्थ केयर पॉलिसी होगी या हेल्थ केयर सिचुएशन होगी उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है सो आप अगर हम हेल्थ पॉलिसी को डिस्कस करें इट्स नॉट सिंपली द लेजिस्लेशन पास बाय द नेशनल गवर्नमेंट सो हेल्थ पॉलिसी इज अ डायनेमिक प्रोसेस एनकेराइटी ऑफ प्रोसेसिस इंस्टीट्यूशन एंड द सोशल एक्टर हेल्थ पॉलिसी सिर्फ सिंगल एक गवर्नमेंट के उसके पे एक्सपेंस पे नहीं होती इसमें बहुत ज्यादा बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि हेल्थ पॉलिसी की फार्मोलेशन में बात करती हैं हम इस वाले टॉपिक में एक जनरल जो है हेल्थ पॉलिसी की बात करेंगे किसी स्पेसिफिक कंट्री की हेल्थ पॉलिसी की बात नहीं करेंगे हम ये देखेंगे कि सोशोलॉजी के अंदर हेल्थ पॉलिसी को डिस्कस करना क्यों जरूरी है बिकॉज अगर आप सोशियोजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस को पढ़ते हैं तो साथ साथ आपको हेल्थ पॉलिसी को भी पढ़ना है बिकॉज हेल्थ पॉलिसी के थ्रू आप हेल्थ को भी डील करते हैं अगर किसी एरिया के अंदर सर्टेन हेल्थ इनकेबिलिटीज है तो इट शुड बी डिपेंडेंट उसके साथ कोई ना प्रोसेस हेल्थ पॉलिसी का इन्वॉल्व होता है फर्दर अगर हम बात करते हैं हेल्थ पॉलिसी के सिंपल टॉप डाउन मॉडल्स ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन हेल्थ पॉलिसी जो है वो डिपेंडेंट होती है किसी भी की भी कंट्री की इकोनॉमिक्स पे पोलिटिकल आइडियोलॉजी पे आपके पब्लिक ओपिनियन पे आपके नेशनल कल्चर पे सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इकोनॉमिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी हेल्थ फैसिलिटी हेल्थ uh, पॉलिसी को फॉर्मुलेट uh, फार्मोलेशन uh, करने के लिए बिकॉज आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिक्स है आप उसकी बेस पे अपनी हेल्थ जो है पॉलिसी को फार्मूलेट करेंगे मीन I mean, अगर आपके कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी सारी जितनी पॉपुलेशन है उनको पब्लिक केयर प्रोवाइड कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट केयर प्रोवाइड कर सके तो वो देट दैट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री और सम टाइम बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास इतनी पावर या इतना इकोनॉमिक्स नहीं होता इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते तो अपनी कंट्री के सारी जो पॉपुलेशन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके इन दैट केस कुछ जगहों पे ऐसा है कि मिक्स है कि कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कुछ लोग खुद करें जिस तरह यूके के अंदर सारी जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होती है लोग वहाँ पे टैक्स देते हैं और जो उन टैक्स की बेसिस पे गवर्नमेंट जो है उनको हेल्थ uh, फैसिलिटी देती है फ्री ऑफ कॉस्ट पर अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे मिक्स कल्चर है वहाँ पे कुछ जो जगहों पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपको और कुछ जगहों पे आपको अपनी पॉकेट से करना पड़ता है प्राइवेटली करना पड़ता है मीन आप खुद तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना एक कंट्रैक्ट करते हैं और वो आपकी आपकी इनकेस ऑफ जो डिजीज एंड एलनेस वो आपको पे करते हैं उसके अलावा जो फर्दर uh, है एक आपकी पोलिटिकल आइडियोलॉजी यानी आप जिस कंट्री में है उसका जो पॉलिटिक पोलिटिकल आइडियोलॉजी है उसका बहुत ज्यादा रोल है आपकी हेल्थ पॉलिसी के अंदर पब्लिक ओपिनियन हेल्थ पॉलिसी मोस्टली इट नॉट अ स्टैटिक स्टैटिक नहीं है चेंज होती रहती है किस तरह चेंज होती है रिगार्डिंग सर्टन पब्लिक ओपिनियंस के ऊपर हो सकती है पब्लिक की अगर पब्लिक आपको सर्टन चीजों के लिए फोर्स करती है तो गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज को रिफॉर्मुलेट करती रहती है नेशनल कल्चर आप अपने कल्चर के हिसाब से अपनी पॉलिसी को देखते हैं इवेंट्स सम टाइम कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी आ सकते हैं जो कि आपके पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को डिस्टोर कर देते हैं इन दैट केस भी आपको अपनी हेल्थ जो पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है इफ यू टॉक अबाउट एक जो कोविड नाइनटीन पेंडेमिक आया था 2019 में तो उसमें बहुत सी कंट्रीज ने अपनी हेल्थ पॉलिसीज को चेंज किया था बिकॉज वो एक पेंडेमिक था अनफॉर्स इवेंट था जिसकी वजह से हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया था बहुत सी कंट्रीज पे तो उस इवेंट की वजह से बहुत सी कंट्रीज ने अपना ये जो हेल्थ पॉलिसी उसको चेंज किया तो अनफॉर्स इवेंट्स का भी बहुत ज्यादा रोल है आपकी हेल्थ पॉलिसी के अंदर अच्छा अब लेकिन अगर हम बात करते हैं अबाउट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो उसमें हमारे पास दो अप्रोचेज हैं एक है approach, एक है कोलेक्टिविट अप्रोच एक इंडिविजुअल अप्रोच है अच्छा अब कलेक्टिव अप्रोच में क्या होता है जी आपकी पब्लिक प्रोविजन है पब्लिक आपको फंड दे आपको टैक्सेस प्रोवाइड करिए गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उन टैक्सेस के थ्रू आपकी हेल्थ केयर कास्ट को पूरा कर रही है सोशल डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक जो है रोल uh, वो भी आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में आता है अगर हम फिर बात करते हैं इंडिविजुअल अप्रोच की तो उसमें क्या जी प्रोवाइड प्राइवेट प्रोविजन होती है जो पीपल है वो अपनी पीपल हैं या जो सर्टन टाइप है वो अपने एम्प्लॉयज को जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज की बिहाफ पे उनकी इंश्योरेंस पे कर रहे होते हैं या एनी पर्सन जो है वो खुद अपने अपनी इंश्योरेंस के ऊपर या हेल्थ केयर कास्ट को पे कर रहा होता है तो पेड टू इंडिविजुअल इंश्योरेंस सोशल कंजर्वेटिव है इसमें अच्छा अब ये तो हेल्थ पॉलिसी की बात करें अब देर आर सर्टन न्यू डायरेक्शन इन द वर्ल्ड अबाउट द हेल्थ पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी के लेके बहुत ज्यादा न्यू चेंजेस भी आई हैं डायरेक्शन क्रिएट हुए हुए इन वर्ल्ड के अंदर फोकस ऑन सोशल स्ट्रक्चर राधर देन इंडिविजुअल डिसीजन फॉर बेटर हेल्थ आउटकम यानी इंडिविजुअल डिसीजन को इतनी ज्यादा फोकस नहीं दिया गया देआर नो मोर फोकसिंग ऑन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन के जो सोशल इश्यूज हैं सोशल स्ट्रक्चर है उसके बेस पे वो किसी भी कंट्री की या उस कंट्री की हेल्थ पॉलिसी को फॉर्मुलेट करें अच्छा कुछ ऐसी पॉलिसी चेंजेस आई जो कि ऑन द बेस ऑफ समजिकल रिसर्च की बेसिस पे आई है

हेल्थ इनक्वेलिटी है वो बहुत ज्यादा उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा और सेकेंड जो रिसर्च हमें है कहते हैं जो जेंडर को लेके हेल्थ इनक्वलिटी है उसको भी खत्म किया जा सकता है बाय फॉर्मुलेटिंग आप एक कम्पैक्ट अगर हेल्थ पॉलिसी देते हैं जिसमें जेंडर रोल को भी खत्म किया जा सकता है और जिसमें आपकी जो हेल्थ इनक्वलिटीज है उसको भी प्रॉपरली एड्रेस किया जा सकता है तो ये जो कंट्रीज हैं अपने इवेंट्स के हिसाब से अपने पोलिटिकल सिस्टम के हिसाब से अपने इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपने नेशनल कल्चर के हिसाब से यह अपने पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से अपनी जो हेल्थ पॉलिसीज हैं, उनको रिफॉर्म करती रहती हैं और चेंज करती रहती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट